हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉकिंग रसोई। आज हम वन पॉट चने की सब चने बनाएंगे। उसमें हमारे 300 ग्राम काबली चने ले लिए हैं जो रात भर भिगे हुए हैं। मसाले के लिए एक प्याज, 5 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा। छोटे वाले टमाटर हैं मेरे पास में, 7-8 पीस लिए। अगर बड़े टमाटर हो तो 3 से 4 लीजिएगा। इनका आप पूरा का पेस्ट बनाएंगे और इसे बारीक इसे रफली काटेंगे लंबी लंबी। अब देखिए आगे का प्रोसेस चलते हैं। फ्रेंड्स, हमने कुकर रख दिया है, इसमें हम रिफाइंड डालेंगे। एक कलछी, कलछी मैंने जो नापी हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये वाला साइज है, एक कलछी ये मैंने लिया है। एक कलछी रिफाइंड डाला है, साथ में इसमें देसी घी भी डालूंगा। एक चम्मच देसी घी डाला इसमें मैंने। इसमें खड़े मसाले मिलाएंगे। वो है 2 तेज पत्ता, 1 इंच दालचीनी, 2 लौंग, साथ में इसमें बड़ी इलायची के पीसेस खोल के इन्हें डालेंगे। 1 चम्मच जीरा डालेंगे उसमें हम। उसे स्पार्कल करेंगे तो ये थोड़ा सा खुशबू नहीं छोड़ने लग जाए, तब तक हम भूनेंगे। स्मेल आने लग गई है। उसमें एक रफ चॉप, हमने जो रफली चॉप करी थी लंबी में ऑनियंस, उनको हम डाल देंगे। उन्हें अच्छे से भूनेंगे। डार्क ब्राउन तक जब तक इसका कलर आएगा तब तक इनको हम भूनेंगे। देखिए प्याज जितनी हमें भूननी थी बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करनी थी, लिटिल बिट ब्राउनिश करनी थी, वो हो चुकी है। इसमें हम मसाले डालेंगे। 1 चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, अनारदाना 1/2 चम्मच, कसूरी मेथी 1 स्पून, हींग 1/4 स्पून, छोला मसाला 2 चम्मच। इन्हें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस लो ही रखिएगा नहीं तो सारे मसाले जल जाएंगे। अब इस पॉइंट पर इसमें जो टमाटर हमने पीसे थे, टमाटर और मिर्च का जो पेस्ट है उसमें हम डालेंगे। और उसको तब तक पकाएंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। अच्छे से मिक्स करके इन्हें ऑयल छोड़ने तक इंजा करेंगे। 10 मिनट का टाइम लगेगा इसमें। फ्रेंड्स देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है इसमें। देखिए अब इसमें हम हरा धनिया डाल, साबुत धनिया जो हमारा है पिसा हुआ वो 2 चम्मच डालेंगे। और साथ में इसी पॉइंट पे हम इसमें गर्म मसाला मिला लेंगे। ये 1/2 चम्मच इसमें मैंने गर्म मसाला डाल दिया है जो घर का पिसा हुआ ही है हमारे। इन्हें थोड़ा सा भूनेंगे, 1 मिनट के भूनेंगे। गैस तेज करके इसे भूनेंगे। जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। फ्रेंड्स देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है, ऑयल छोड़ दिया है। और इसमें हम छोले डालेंगे। और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस पॉइंट पे हम इसमें चाय का पानी मिलाएंगे। 1 कप चाय का पानी जो हमने बॉईल करके रख लिया है उसको छान के हम डाल लेंगे। देखिए तो हम पूरे को डाल देंगे।
रेसिपी पॉइंट पे हम इसमें नमक डालेंगे। एक चम्मच हमने नमक डाल दिया इसमें। और खाने का सोडा मिलाएंगे एक चौथाई चम्मच, उससे बहुत अच्छा स्वाद आता है और जल्दी बन जाते हैं। इसमें एक गिलास पानी और डालेंगे। एक गिलास पानी इसमें हमने और डाल दिया है। गैस फुल करके हम इसको स्टीम लगाएंगे, 5-6 स्टीम आने तक इसको स्टीम लगाएंगे। देखिए हमने ढक्कन लगा दिया है, अब 10 मिनट के लिए इसको स्टीम लगाएंगे। फ्रेंड्स 5-6 की पूरी आ चुकी है, अब गैस को स्लो कर देते हैं और 10 मिनट के लिए सिम गैस पे इसको बनने देंगे। फिर उसके बाद में बताएंगे आपको आगे का प्रोसेस क्या होगा। 10 मिनट बाद फिर मिलते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए 10 मिनट और हो चुके हैं, अब गैस हमने बिल्कुल बंद कर दी है। अब छोले इसी ही अपनी स्टीम में पकेंगे, ये भी 5-10 मिनट का टाइम और लेंगे। उसके बाद में देखेंगे क्या कलर आया है हमारे छोलों का। फ्रेंड्स सारी हीट इसकी निकल गई है स्टीम, छुलकी बची हुई है उसे निकाल के खोल के देखते हैं कितना बढ़िया बने हैं हमारे छोले। देखिए कितना बढ़िया कलर है हमारे छोलों का, इतने बढ़िया लग रहे हैं। अब इसको थोड़े से हम फोड़ेंगे, ज्यादा मैश नहीं करेंगे, बस थोड़े से ही मैश करेंगे। देखिए थोड़े से इनको अच्छे से इनको थोड़ा फोड़ेंगे। अब लास्ट में इसको गार्निश करेंगे, खूब सारे इसमें हरा धनिया डालेंगे और साथ में इसमें अदरक। ये हमारे छोले बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें और शेयर करें। थैंक यू।